गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज जनपदी खेल महाकुंभ नैनीताल का दूसरा दिवस FTI ग्राउंड हल्द्वानी में, और आज बालक वर्ग में अंडर 14, 17, 20 एथलेटिक्स की प्रतियोगिता संचालित हो रही है। साथ ही कबड्डी और वॉलीबॉल भी अंडर 14 बालक बालिका में आयोजित होगा, और घास ज़्यादा होने से लाइनें नहीं दिख रही थी, तो आज जो है मैट मंगा ली गई है कबड्डी के लिए, और चलते हैं आपको वहीं लेकर। अब ये कबड्डी की मैटिंग जो है यहाँ बिछाई जा रही है, उसके बाद यहाँ आज प्रतियोगिता संचालित होंगी। और इधर 14 बालक वर्ग में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी महोदय को उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया है। बड़े दिमाग से ये पॉइंटर जी क्या हेलो मैदान के पास आप उनका जिम है उसके सामने, तो आप आ जाएं, दोनों ब्लॉक की बच्चे आ जाएं, भीमताल और कोटा बाग की। अंडर 17 बालक वर्ग में लंबी कूद, आ जा भाई, आ जा। बहुत सही। और अब ये 100 मीटर की तैयारियां चल रही हैं, एथलीट हमारे सब वार्म अप हो रहे हैं, उसको कंडक्ट करा रहे हैं मिस्टर महेश उपाध्याय, बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं और नई पौध तैयार कर रहे हैं एथलेटिक्स की। आप पाल कॉलेज में एथलेटिक कोच हैं। और ये बच्चों का वार्म अप सेशन चल रहा है, देखिए क्या रहना है आज, कोड बांधना है, चलिए कमिटमेंट भी हो गई। इधर लॉन्ग जंप और इधर 100 मीटर की तैयारी, बस बेटा यहीं से। हाँ, और इधर अभी कबड्डी का ग्राउंड तैयार हो रहा है, इधर हमारा वॉलीबॉल चल रहा है। सर और ये जबरदस्त मुकाबला, और बहुत बेहतरीन 100 मीटर का, बिल्कुल 100 मीटर फिनिश का जबरदस्त फिनिशिंग। देखिए फर्स्ट सेकंड बहुत नजदीक थे, लेकिन जो चलिए मिलते हैं एक एथलीट से, क्या नाम है बेटा? ललित सती। अभी कौन सा इवेंट किया है? 100 मीटर सर, अभी 200 मीटर बाकी है। 200 बाकी है, 100 मीटर कौन सा एज ग्रुप खेल रहे हैं? अंडर 17 में। चलिए बधाई आपको, तो टाइमिंग देख ली कितना निकली है? चलिए ठीक है, और अभी तक कितना इवेंट्स खेल चुके हो या कितने? 4 बार नेशनल खेल चुका हूँ, हाल ही में नॉर्थ जोन वाला 4th रैंक थी मेरी। मैं यहाँ पे सर का धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू। देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से मीडिया वाले कवरेज नहीं दे पा रहे हैं, मीडिया वालों, मैंने परसों न्यूज़ देखी खेल महाकुंभ की, मैं विनर्स के नाम थे उससे ज़्यादा तो जो मुख्य अतिथि थे उनके नाम थे। अच्छा, और फोटो भी उनकी थी, तो ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों की न्यूज़ ऊपर लाते हैं, ये बहुत अपने आप में काबिल बात है और ये करना चाहिए। और खेल महाकुंभ की मेनली खेल जो है या आयोजन जो है वो खिलाड़ियों के वजह से ही है, खिलाड़ियों को
न्यूज़पेपर्स में भी अच्छा स्थान मिलना चाहिए आपका कहना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो है खिलाड़ियों के नाम से कवरेज हो ताकि उनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड से मोटिवेशनल ये न्यूज़ बन जाए। हाँ, और सर मैं खेल के बारे में कहना चाहूँगा, देखिए जो हमारे पहाड़ की अच्छी जो पहाड़ की प्रतिभा है हमारी जी, मैं 3-4 साल से खेल रहा हूँ लगातार, और मैं इसमें देख रहा हूँ कि हमारे पास जो प्लेन्स के हैं नैनीताल हल्द्वानी के हैं जो और जो उधम सिंह नगर हरिद्वार के तहत उनके जो बच्चे हैं इनको और खेलों में प्रतिभा करने का मौका मिलता है ओपन स्टेट फेडरेशन के उत्तराखंड ओलंपिक, लेकिन जो हमारे पहाड़ के प्रतिभा है जो वो जो है उतना जागरूक नहीं है या अगर उनको खबर मिलती भी है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक, लेकिन एक खेल महाकुंभ एक जरिया है जहाँ हमारे पहाड़ की प्रतिभा आती है और उनको ये प्लेटफॉर्म देना, मैं नहीं मानता कि हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं टैलेंटेड हैं काफ़ी जो उत्तराखंड के लिए ओलंपिक खेलेंगे आने वाले टाइम जा रहे हैं यहाँ पे जी, उनको बताइए कि क्या क्या होता है एथलेटिक्स, क्या उनकी डाइट होती है, हमको चीज़ें दिखाइए ताकि वो आगे आने स्तर पर और अच्छा परफॉर्म करें जी, क्योंकि एक खेल महाकुंभ भी जरिया है, 25 साल तैयारी करते हैं पहाड़ के बच्चे, उतनी सुविधाएं नहीं होती उनकी बात, लेकिन खेल महाकुंभ में न्याय पंचायत यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, हम हमारे कॉम्पीट कर रहे हैं बच्चे और हमें देख रहे हैं, हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उनके पास कम है लेकिन फिर भी उतना अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको बताई जाएंगी चीज़ें कैंप लगाएं डिस्ट्रिक्ट के बाद कैंप लगाएं उनको बताई जाएगी चीज़ें तो और अच्छा करेंगे जी। चलिए, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ़ है। अब पहाड़ के बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि आप तो यहाँ तैयारी कर रहे हो हल्द्वानी में तो आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इवन पहाड़ी क्षेत्रों में उनके बारे में विचार कर लेना ये बड़ी बात है। थैंक यू और उज्ज्वल भविष्य की कामना। थैंक यू सर। और ये अंडर 14 बालक 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर दौड़ अंडर 23 बालक, सारी प्रतिभागियों के पास यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। 800 मीटर दौड़ के लिए 23 के सारे प्रतिभागी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे, चीफ स्टार्टर मिस्टर महेश भी स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। और ये दौड़ प्रारंभ हुई, हम आग्रह करना चाहेंगे 800 मीटर दौड़ के एथलेटिक्स के जिन्होंने 800 मीटर 14 के बालक अंडर 23 800 मीटर 14 बालक वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता संपादित हो रही है। हेलो, एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दीजिएगा, पकड़े गए हमारे जो निर्णायक प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसमें आप लोगों के सिग्नेचर नहीं है जजेस के, जो जजेज स्टार्ट है या फिनिश पर है, क्योंकि फिनिश पर निर्णायकों के इस पर साइन होने चाहिए। आर्डर 23 विशेंद्र कश्यप अल्वानी कमलेश सिंह पुरस्कार वितरण स्थल पर पहुंचे 400 मीटर अंडर 17 अंडर 20 अंडर 23 प्लीज रिपोर्ट एट स्टार्टिंग पॉइंट अंडर 20 अंडर 17 लॉन्ग जंप के बॉय पुरस्कार वितरण स्थल पर पहुंचे नीरज गिरी गोस्वामी उखलकंडा, अभिषेक हल्द्वानी और रामनगर से तनिष्क। बार बार आपको अनाउंस किया जा रहा है, अपने मेडल सेरेमनी के लिए आपको तत्काल पहुंचना है। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, जब आपका मेडल सेरेमनी हो रही है आप अनाउंसमेंट पर ध्यान दीजिएगा और तत्काल आपको अनाउंसमेंट के बाद यहां पर पहुंचना है जिससे कि आपका मेडल आपको रिसीव कराया जा सके आपको मेडल सेरेमनी में। सभी खिलाड़ी ध्यान दें, हमारे खेलकूद के साथ साथ पुरस्कार वितरण सेरेमनी भी हो रही है, आप सभी का ध्यान आकर्षित। 800 मीटर अंडर 23 बालक देवराज गैड़ा, रामनगर से शानिब, रामनगर से यश नैनवाल, हल्द्वानी से यशेंद्र कश्यप, भीमताल से यशपाल यादव, हल्द्वानी से कमलेश,
और हल्द्वानी से यशेंद्र। और साथ साथ ही पारी तो सिर्फ इसी द लास्ट एंड फाइनल कॉल 400 मीटर अंडर 17 अंडर 20 अंडर 23 अंडर 14 बालिका कबड्डी। चले मिलते हैं एक हमारे व्यायाम शिक्षक सर, नाम बताइए। मनमोहन बसेना, खेल प्रशिक्षक कबड्डी। तो मनमोहन जी कितने टाइम से कबड्डी खेल रहे हैं आप? मैं कबड्डी तो बचपन से खेलता था लेकिन जी ऑफ सेटिंग में 2006 से मैं ऑफ सेटिंग में हूँ जी। अभी कहाँ हैं आप? मैं ज्ञान जी। तो सर ये थोड़ा सा खेल महाकुंभ के बारे में आपके व्यूज में जानना चाह रहा हूँ। खेल महाकुंभ में सर यहाँ कल से कबड्डी की प्रतियोगिता चल रही है। कल अंडर 20 के मैच हुए थे, आज अंडर 14 के मैच हो रहे हैं, कल अंडर 17 के होंगे जी। कल हमारे मिट्टी में ग्राउंड में मैच हो रहा था तो बच्चों को थोड़ा परेशानी हो रही थी, तो इसलिए आज हमने मैट की व्यवस्था करवाई है जी। मैट में बच्चे खेल के बड़े खुश हैं जी। चोट वोट भी नहीं लग रही है? चोट भी नहीं लग रही क्योंकि अब जो हो गया है कबड्डी मैट का गेम हो गया है जी, तो इसलिए बच्चे मैट में बहुत खुश हैं आज। अच्छा सर, जैसे ये खेल महाकुंभ योजना चलाई है सरकार ने, तो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, कितना इससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं या आप एक्सपर्ट्स हैं इसमें, क्या हम सुधार कर सकते हैं? सबसे पहले तो सुधार सर इसमें क्या होना चाहिए, ऑनलाइन पंजीकरण जो हो रहे हैं वो आधार से लिंक होने चाहिए जी। आधार लिंक होते ही उनके लिए तो बढ़ते पकड़ में आ जाए जी। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यहाँ बच्चे खेल जा रहे हैं जो उस एज ग्रुप में नहीं है, ठीक, तो उससे क्या होगा कि एकदम पारदर्शिता आएगी जी। और जो जेएनयू बच्चा है वही उसमें प्रतिभाग करेगा। हाँ, और दूसरा क्या है कि इसमें एक और सुधार करना चाहिए कि फोटो वाली पात्रता होनी चाहिए जी, जिससे उससे आइडिया आए कि कौन बच्चा जस्टिफाई हो जाए कि आइडेंटिटी हो जाए कि हाँ वही बच्चा खेल रहा है, ठीक। हाँ, क्योंकि अभी जो चल रहा है सिर्फ लिस्ट से नाम चल रहे हैं, लिस्ट में ब्लॉक से उसको एक आईडी मिल जाए, फोटो लगी हो मोहर लगी हो तो उसको चेक किया जा सके जी जी जी। और इससे बच्चे क्या लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, बच्चों को पैसा मिल रहा है तो बच्चे देखा जाए तो बहुत फायदा भी हो रहा है बच्चों को जी। इस बार थोड़ा अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बच्चों की संख्या थोड़ा कम हुई है। अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चों के अकाउंट नहीं है। हाँ, और जो फर्जी खेलते थे वो थोड़ा कम हो गए, सुधार हुआ, ठीक है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात पर भी विचार करेगी और ये स्टेट लेवल पे ख़त्म हो जाता है सर। हाँ, तो आप इसमें भी कुछ सुधार चाहेंगे? स्टेट के बाद इसका नेशनल होना चाहिए क्योंकि स्टेट के बाद अगर बच्चा आगे नहीं खेलता है तो कोई फायदा नहीं। हाँ, सर्टिफिकेट जो काम आता है नेशनल जी, और कहीं ना कहीं उसकी रोजगार में भी ये चीज़ें काउंट होंगी कि भाई नेशनल खेला है। हाँ सर, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हमको लगे, कहीं ना कहीं सुधारवादी दृष्टिकोण से आपने इसको देखा, थैंक यू सो मच। शाबाश शाबाश, पकड़ो। हाँ, अरे हट। हम राकेश गोला या भीमताल अंडर 20 बालक वर्ग की प्रतियोगिता संपादित हो रही है। अपने पुरस्कार के लिए मुख्य पंडाल पर उपस्थित हूँ। बालक सिंह बोरा, आकाश दीप सा भीमताल से, कुशल कांडा के बालक सिंह बोरा, और एक गुड़ यार ये भी नहीं, शॉर्ट वर्ड। चलिए एक प्रतिभागी से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पलड़िया। धर्मेंद्र पलड़िया कहाँ से आए हो आप? उखलकांडा ब्लॉक। उखलकांडा ब्लॉक से, तो आप यहाँ कौन सा इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो? शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो। छक्का और शॉर्ट पुट है, तो अभी कोई परफॉर्मेंस होगी आपकी? हो क्या हो गया? मेरा शॉर्ट पुट हो गया। शॉर्ट पुट में क्या रही?
जी सर, थर्ड प्लेस, चलो बधाई है आपको। और यहाँ जो खेल महाकुंभ चल रहा है, क्या कैसा लग रहा है? कुछ बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक है। चलिए, तो कोई सुझाव आप देना चाहें तो? ना सर, क्या सुझाव देंगे, सब बढ़िया चला, आप रहने रहने की व्यवस्था है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और इधर हाई जंप की प्रतियोगिता, ये और इधर ये दौड़ प्रारंभ हुई 200 मीटर और ये बहुत जबरदस्त लीड नीले रंग के सती है ये। और जयपुर इसका भी के लिए